आज 2 सितंबर है एक्सपायरी डे और मैंने 1 सितंबर 12:30 से 1 के बीच निफ्टी 2 सितंबर एक्सपायरी की 17,050 की पुट छोटी क्वांटिटी 2 लॉट में बाई की थी। मुझे लग रहा था कि निफ्टी 50 डाउन जाएगा। मैंने जब एंट्री की थी तो 33.79 के प्राइस पर और 1 सितंबर को मुझे ज़्यादा प्रॉफिट शो नहीं हुआ तो मैंने कैरी फॉरवर्ड किया 2 सितंबर के लिए और मुझे लग रहा था कि 2 सितंबर को मार्केट निगेटिव में ओपन होगा। बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी मगर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट 2 सितंबर को ओपन हुआ पॉजिटिव में और फिर मैंने सोचा कि अब कम चांस है कि मार्केट वापस से नीचे जाएगा। मैंने पुट बाय किया था अगर निफ्टी नीचे जाती तो ही मुझे प्रॉफिट होता, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया 15 के प्राइस पे और वो 20 से 25 मिनट में हिट हो गया और यहाँ पर मैंने छोटा सा लॉस बुक किया है। मुझे पता था कि ये रिस्की होने वाला है इसलिए मैंने सिर्फ 2 लॉट बाई किए थे, छोटी क्वांटिटी में डील किया। अगर मार्केट मेरे साथ चला जाता तो मुझे यहाँ पे 6-7 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता। देखो मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, 1 सितंबर को 10 बजे के बाद मार्केट एकदम से नीचे आने लगा और वहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया और उसमें 6,800 का प्रॉफिट भी बुक किया। तो मैंने सोचा थोड़ा और रिस्क ले लेना चाहिए, आज मार्केट मेरे अपोजिट खुली, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, हर दिन आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। मगर मैंने जो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रखा था रेशियो वो ठीक था, मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है सिर्फ 1800 के आसपास, अगर प्रॉफिट होता तो वहाँ पर 5-6 हज़ार बनते। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस का यूज़ करो, अगर मैंने 15 पर अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो अभी मेरा लॉस और बड़ा होता, 2800 के आसपास होता, क्योंकि अभी प्राइस 6 रुपये पर चल रहा है और हो सकता है ये और नीचे चला जाए। और मैंने एक्सपायरी के दिन ट्रेड लिया, उसको होल्ड किया, अगर आज के दिन थोड़ा मूवमेंट निगेटिव में तेज़ होता तो मुझे प्रॉफिट बनता। वैसे मैं ग्रो ऐप को यूज़ करता हूँ, अगर आप भी ग्रो ऐप यूज़ करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक से डाउनलोड करो, अगर आप लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको 100 रुपये बोनस भी मिलेंगे। तो आई होप आपको यहाँ समझ आया होगा कि मैंने क्या गलती की, मुझे पहले से प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर मैं सिर्फ छोटी क्वांटिटी के ही वीडियोज़ डालता हूँ इस चैनल पर, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द बिगनर छोटी क्वांटिटी में डील करते हैं, उनके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, तो इससे उन्हें समझ आ पाएगा कि कैसे छोटी क्वांटिटी में प्रॉफिट और लॉस को हैंडल किया जाता है।